अच्छा ऐसा होता है ना, आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा, व्हेन यू मीट एन ओल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड, फिर चाहे वो आपके स्कूल के हो या फिर कॉलेज के हो, तो एकदम आप उन दिनों में पहुंच जाते हैं जी। आप बस लगता है वो स्कूल के दिन वापस आ गए हैं, वही मस्ती, वही अटकले बचपन की, उफ मजा आ जाता है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं हमारे विराट भी, गुम है प्यार में नहीं, अपने कॉलेज के दिनों में। जरा दोस्तों को देखिए और साथ साथ विराट को भी पहचानिए। क्या आपको लगता है कि ये आज का विराट है? अब आप सोच रहे होंगे कि विराट का पहनावा अब तो ऐसा नहीं है। तो भाई आप जैसा सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दरअसल विराट और उसके दोस्तों का एक फ्लैशबैक सीन है। उनकी ऐसी बॉन्डिंग है, मतलब बचपन के दोस्त हैं और तीनों दोस्तों की बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है, बहुत ज्यादा प्यार है, बट सालों से मिले नहीं है। अब जिंदगी में इन्हें रास्ते बदल दिए, तो वो सदा विराट के साथ वो चीज़ करना नहीं चाहता, उसको हर्ट नहीं करना चाहता, बट कोई उपाय नहीं है। उसका भी एक लाइफ का मिशन है, एक प्लान है जिंदगी को लेकर के, एक मिशन है। विराट और उसके दोस्त सदानंद को याद आ रहा है जब वो पहले साथ में रहा करते थे। कॉलेज का जमाना था जब एक साथ में हर जगह घूमा करते थे। फिर आज इस सदानंद और विराट के रास्ते क्यों अलग हो गए? एक सिस्टम के खिलाफ हो गया है तो एक सिस्टम में आ गया है। तो एक दोस्त जो एक जमाने में दोनों साथ में बैठ के चड्डी बड़ी हुआ करते थे, आज वो दोनों एक दूसरे के मतलब खिलाफ है। सिस्टम, एक बंदा सिस्टम के खिलाफ है और एक बंदा सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। तो ये टसल आपको देखने को मिलेगा इस फेज में विराट की लाइफ में। अब इसके पीछे बहुत सारी वजह है। सदानंद के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते सिस्टम पर से उसका विश्वास ही उठ गया है। तो भाई आने वाले एपिसोड में दो दोस्त एक साथ भिड़ेंगे, लेकिन इस जंग के बीच में क्या इनकी दोस्ती की जीत होगी, यही एक सबसे बड़ा सवाल होगा। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।